वेलकम बैक टू सत्यजीत किचन। आज बहुत पॉपुलर ब्रेकफास्ट आइटम बनाने वाला हूं मैं सिर्फ आपके लिए, और वो है उपमा। हमें लगता है कि बनाने में बहुत आसान है और वो एक्चुअली आसान है, लेकिन अगर वो एक दो चीजें ऊपर नीचे हो जाए तो रेसिपी फ्लॉप हो जाती है। हम हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो बनाते ही है वो चीज, क्योंकि बड़ी कंफर्टिंग सी है, बहुत फाइबर है, बड़ा फिलिंग सा है, सुबह के लिए इट इज आइडियल। बनाते हैं साउथ इंडियन स्टाइल उपमा। तो शुरुआत करते हैं साउथ इंडियन स्टाइल उपमा बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने लिया है एक बोल बारीक वाला जो रवा आता है, सूजी आती है वो, और उसे अब हम हल्की आंच पे रोस्ट कर लेंगे। सूजी रोस्ट करते वक्त हमेशा उसे कंटिन्यूसली चलाना, स्टर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल सकता है, उसका रंग बहुत जल्दी बदल सकता है। अब हमें इसे रोस्ट तो करना है, लेकिन ख्याल रखना है कि इसका रंग ना बदले। यहां पे लिया है एक बड़ा बोल सूजी, तो मैं दूसरे पैन में पानी उबालने के लिए रख देता हूं। एक बोल, दो बोल, एग्जैक्टली डबल द क्वांटिटी। ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट्स मैंने इसे रोस्ट किया है, अभी भी अच्छा व्हाइट है, रंग नहीं बदला है उसका। उसे निकाल के रखते हैं साइड में। उसी पैन में आगे का काम, मैं इसमें ले रहा हूं 3 से 4 चम्मच घी, 3 से 4 चम्मच घी। यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे घी पसंद है। अगर आप चाहे तो नॉर्मल तेल में भी बना सकते हैं उपमा। उसके अंदर राई, राई के साथ ही जीरा, उड़द दाल है मेरे पास, छोटा चम्मच उड़द दाल, छोटा चम्मच चना दाल, जब चना दाल और उड़द दाल हल्की भुन जाएगी तब इसमें मिर्ची मिलाएंगे। लाल सूखी मिर्च है मेरे पास, सिर्फ एक मिर्ची तोड़ के सब सीड्स निकाल के मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूं। उसी के साथ थोड़ी हरी मिर्च, काफी सारा कड़ी पत्ता, कुछ कैशियूज, और उसी के साथ थोड़े किशमिश। कैश्यू जब हल्का सुनहरा हो जाएगा तब उसके अंदर मिलाएंगे थोड़ा सा प्याज। एक छोटा प्याज लगभग, प्याज को सिर्फ हल्का नरम करना है, जो कि अब हो चुका है। तो जो हमने सूजी यहाँ पे रोस्ट करके रखी है वो इसके अंदर, पहले हमने एक बार सूजी को ड्राई रोस्ट करके लिया है, लेकिन घी के साथ और सब ये जो प्याज और अलग मसाले है उसके साथ एक बार फिर से उसे भून के लेंगे 2 से 3 मिनट। नमक,
ऑलमोस्ट आफ्टर 2 मिनट्स हमारा जो सूजी है वो अच्छे से इसके अंदर रोस्ट हो चुका है। यहाँ पे हमने 1 कप सूजी है तो 2 कप पानी बॉईल करने के लिए रखा था, वो भी अच्छे से उबल चुका है। तो अभी पानी इसके अंदर, इमीडिएटली पूरा पानी सोख हो गया। अब इसके ऊपर लिड रखिए और 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से उसे स्टीम होने दीजिए। 5-6 मिनट हो गए हैं, अच्छे से स्टीम हो चुका होगा उपमा, एक बार चेक कर लेते हैं। प्रॉपरली स्वोलन, सब मॉइस्चर अब्सॉर्ब हो गया और एग्जैक्ट डबल द क्वांटिटी ऑफ वाटर, ना गीला हुआ है ना बहुत ड्राई हुआ है। गैस करता हूं मैं बंद, एंड में थोड़ा लेमन जूस जो कि ऑप्शनल है, पर वो ग्रीन चिली के साथ थोड़ा लेमन, हमने रेजिन्स डाले हैं उसकी थोड़ी सी मिठास, तो हर फ्लेवर मस्त बैलेंस हो जाता है। 1 क्विक मिक्स एंड वी आर डन। द मोस्ट पॉपुलर ब्रेकफास्ट आइटम तैयार है, थोड़ा कोरिएंडर। परफेक्ट। गार्निश के लिए थोड़ा फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट, थोड़ा और कोरिएंडर एंड वी आर डन। सो मजेदार सा उपमा बनके तैयार है जिसे मैंने सर्व किया नारियल और धनिये की चटनी के साथ। अगर आप चाहे तो टमाटर की चटनी के साथ सर्व कीजिए, और कोई चटनी ना हो तो ऐसे ही एंजॉय कीजिए, क्योंकि उसमें इतने सारे फ्लेवर्स है, इतनी सारी मजे मजे की चीजें है। इट्स अ परफेक्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट आइटम उपमा। आहा, बनके तैयार हो गया मेरा उपमा। आसान सी रेसिपी थी, मजेदार सी रेसिपी है, इंटरेस्टिंग रेसिपी है, पर आप जब इसे बनाएंगे तभी सबको पसंद आएगा। तो प्लीज आज ही जल्द से जल्द इसे बनाइए, सबको सर्व कीजिए। जब सबको सर्व करेंगे तो सबको मजा आएगा, जब सबको मजा आएगा तब आपको मजा आएगा, जब आप खुश तो हम खुश। अगली बार जरूर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। अंटिल देन, हैप्पी कुकिंग।